हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन. तो हमने अपने न्यू चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को शुरू किया था, जिसमें से हम अपने वर्क वाले चैप्टर को खत्म कर चुके थे. आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर एनर्जी. तो शुरुआत करते हैं एनर्जी से. अब एनर्जी वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबने सुना हुआ है और सबको पता है कि एनर्जी क्या होती है. जैसे जब हम कोई काम करते करते थक जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे अब कुछ खाने का चाहिए. क्यों? ताकि आप अपनी एनर्जी को वापस से बढ़ा सको, यानी कि काम दोबारा कर सको. जब दो एथलीट्स भाग रहे होते हैं तो उनमें से एक जीतता है और एक हार जाता है. कैसे? जो जीतने वाला है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो हारने वाला है उसकी एनर्जी कम है. या फिर आपने एक ऐड भी देखा होगा, जो ग्लूकोन डी की ऐड है, जिसमें जो बच्चा है वो काम करते करते थक जाता है, फिर उसको ग्लूकोन डी देते हैं, उससे क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर वो फटाफट सारे काम को निपटा देते हैं. यानी कि यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि एनर्जी का रिलेशन है वर्क से. यानी कि काम करने की ही जो आपकी पावर है उसी को हम एनर्जी कहेंगे. यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी हमारे पास, हम उतना ही ज्यादा काम कर पाएंगे. अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, इसका मतलब हम काम नहीं कर पाएंगे. यानी कि काम करने की ही हमारी जो क्षमता है, काम करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है, जिस कैपेसिटी जो हमारी है काम करने की, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी. तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. यानी कि काम करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, काम करने की जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी से हम काम को करते हैं, उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी. यानी कि एनर्जी जो है एक तरीके से वर्क ही है. यानी कि वर्क को हम किस तरह, कितनी कैपेसिटी से हम अपने काम को करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी. हर एक बॉडी के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो. क्योंकि रेस्ट में है तब भी उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है, तभी तो वो काम कर पाएगा ना एकदम से रेस्ट में. अगर कोई काम कर रहा है तब भी उसके पास कोई एनर्जी है. तो हर एक बॉडी के पास एनर्जी होती है. तो एनर्जी क्या है? काम करने की कैपेसिटी, यानी कि काम करने की कैपेबिलिटी, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी को. अब बात करते हैं यूनिट्स की, कि एनर्जी को हम मेजर किन यूनिट्स में करते हैं, यानी कि किस, कैसे कहेंगे कि इसके पास कितनी एनर्जी है. तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो एनर्जी है वो क्या है, एक तरीके से वर्क ही है, यानी कि काम ही है. काम को ही हम एक तरीके से एनर्जी कह रहे हैं. यानी कि यूनिट्स भी क्या होंगी, वर्क वाली ही होंगी. अब हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्क की यूनिट्स क्या होती हैं, जाऊ. यानी कि यहाँ पर एनर्जी की यूनिट्स भी क्या हो जाएंगी, जाऊ. यानी कि यूनिट्स जो है वर्क और एनर्जी की क्या है, सेम. क्यों? क्योंकि काम करने को ही तो हम एनर्जी कह रहे हैं. एनर्जी जो है वो काम से ही हमारी रिलेट करी है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वर्क एंड एनर्जी है, उन दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम. और वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल. तो इसलिए एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गई, हमारी जाउल. तो हम एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जाउल में, कि कितनी एनर्जी यूज हुई है, किसकी कितनी एनर्जी है, आर मेजर्ड इन दी जाउल. तो ऐसे यूनिट्स क्या होगी, हमारी जाउल की. लेकिन ये तो सिर्फ वन जाउल, अब जरूरी थोड़ी है किसी के पास वन जाउल की एनर्जी है. बहुत ज्यादा एनर्जी भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है. तो कम के लिए तो हम जाउल यूज करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा एनर्जी को हमने मेजर करना है, तब हम जाउल को, अब इतने जाउल्स को कौन मेजर करेगा, तब हम जाउल को नहीं यूज करते, तब हम अपने बिगर यूनिट्स यूज करते हैं एनर्जी की. तो हमारे पास एनर्जी की कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं. जैसे जो लार्जर यूनिट्स है एनर्जी की वो क्या है, किलो जाउल, मेगा जाउल, और इससे ज्यादा बड़ी भी है, गीगा जाउल. तो किलो का मतलब 1000 से है, यानी कि किलो जाउल में कितने जाउल होते हैं, यानी कि 10^3, यानी कि 1 kJ 10^3 जाउल के बराबर होता है. ऐसे ही मेगा जाउल क्या है, 10^6 जाउल के बराबर. यानी कि 1 MJ जो है आपके 10^6 जाउल के बराबर होता है. यानी कि जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मेजर करनी हो, एनर्जी का बहुत बड़ा अमाउंट हो, तब आप जाउल को छोड़ करके जो उसके फर्दर बिगर यूनिट्स हैं, जो बड़ी यूनिट्स हैं, आप उनको यूज करोगे. वो कौन कौन सी हैं, किलो जाउल, मेगा जाउल, और अगर इससे भी ज्यादा है तो गीगा जाउल एंड सो ऑन. बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास. तो यहाँ से हमें यही पता चला कि जो हमारे वर्क है और जो हमारी एनर्जी है वो क्या है, जाउल में मापी जाती है. यानी कि उन दोनों के यूनिट्स क्या है, सेम है. उसके बाद हम बात करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी स्केलर है या वेक्टर है. अब हमने यही बात बोली है कि हमारी एनर्जी और वर्क में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वर्क करने की ही जो हमारी कैपेबिलिटी होती है उसी को ही हम एनर्जी कहते हैं. जब उनकी यूनिट्स सेम है, यानी कि वो क्वांटिटी भी वैसी होगी. अब आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्क क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है. यानी कि वर्क जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है. सेम उसी तरीके से हमारी जो एनर्जी है वो भी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है. यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी
डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है, यानी कि हमें ये नहीं कहना कि किस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी जो है वो जा रही है, किस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी जो है वो लगी है। हमें सिर्फ बताना है कि कितनी एनर्जी हमारी खर्च हुई है या फिर कितनी एनर्जी हमने गेन की है। तो एनर्जी के हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, वहां पर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो हमारी एनर्जी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वैसे तो हम इसके ऊपर लॉ पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एनर्जी है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, ना तो आप इसको अपने आप से क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप अपने आप से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि हमारे पास एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो अब हमने पढ़नी है कि एनर्जी हमारे पास किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास निकल के आती है एनर्जी की, यानी कि कितने टाइप है एनर्जी के, तो वो है मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आगे फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है, आपके पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हम ये आगे अपने फर्दर चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पे ही है। यानी कि हमने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल पढ़ना है, तो इसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, आपकी जो पोटेंशियल और काइनेटिक है उन दोनों जो फॉर्म है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट आती है आपकी थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। हीट की वजह से जब आपकी कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, थर्मल या फिर हीट एनर्जी। थर्ड फॉर्म है आपके पास लाइट एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, लाइट एनर्जी मतलब लाइट की वजह से जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि चार्जेस, चार्जेस की वजह से जब कोई एनर्जी बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल्स की वजह से जब आप केमिकल यूज करते हो, उनकी वजह से उनको यूज करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कराते हो, जब एनर्जी होती है केमिकल्स की वजह से, उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी आपकी बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मैकेनिकल एनर्जी पे रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी में आगे दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो आगे आने वाली वीडियो में हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो थी, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, एनर्जी क्या होती है, क्या यूनिट्स होती हैं, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं और किस किस फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है। इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी जो है एग्जाम्पल्स हैं उसके, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमारी एनर्जी होती क्या, तो बेसिकली काम करने को ही क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि जिस कैपेसिटी से आप काम कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट होती है जाउल, फर्दर बिगर यूनिट्स भी होती हैं जैसे मेगा जाउल, किलो जाउल। और एनर्जी जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही अपने आप से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि मान लो आपके पास एनर्जी जो है वो मैकेनिकल फॉर्म में है, आप उसको थर्मल में चेंज कर दो, लाइट में चेंज कर दो, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दो, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करोगे। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।